आज की जो वीडियो लेकर आए, वीडियो का टाइटल इंटरेस्टिंग है, ये मूवी बहुत ज्यादा मतलब मजेदार है। कल मैंने पूछा था, हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था कि आप किसी मूवी के सीन पे रिएक्शन चाहते, तो हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला था कि गोलमाल मूवी के सीन्स पे रिएक्शन दी क्योंकि वो बहुत मजेदार मूवी है। सच्ची में आज उसी का एक फनी सीन लेकर आए हैं। गोलमाल मूवी है, इसमें संजय दत्त बोल रही हूँ, अजय देवगन, अर्शद वारसी है, इनकी कॉमेडी देखने में मिलेगी, मजा आ जाएगा सच्ची में। पेट दर्द ना हो गया हंस के तो मेरा नाम बदल देना प्लीज। वीडियो के अंत तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो देखते आज फिर से। इंडियन कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सुनो, हाँ मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। हाँ? नहीं, वो पीछे से लगता होगा, मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आगे से लगता है। सुनो भाई, ए अरे मेरी बात तो सुनो, मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे तुम मेरी तरफ घूमते क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, तो ओके 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 मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। क्या? हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए हैं। मंदिर गए हैं? भाई तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं। कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई बताओ, ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? सोमनाथ जी आ गए। कौन है भाई? जी मैं विकी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा तो परवाह है। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप पन्ने कर लेगा पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के, हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? टेबल है, अंधे को दिखता है। Can't you see? I can't see. I can see. I can वो घड़ी दिख रही है? हाँ, वो नहीं, ये मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। हाँ नहीं, यहाँ 11 बजा है। कितना बजा है? पपारा 11 बजे, 11 बजे। मुझे नहीं मालूम कि कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं, मालूम अच्छा। अब बोल, क्या काम था? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा कौन? पूजा पूजा अर्चना। के अर्चना तय कर ले पहले। लड़की कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो जुचुआ कर तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है, मंचन है। उसके बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना लाए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मैं कमेटी को पूछ के बताता हूं। कमेटी नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए वरना। कौन है? उससे बढ़िया काम हो गया।
बर्फ पड़ने वाली है। मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा व्हाइट व्हाइट खेल रहे। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भी है। मैं निकलता हूँ। निकल निकल तो पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं है। तो बैठा क्यों है? ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ। वहाँ क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहाँ है। अबे कार्ड तो देखे जा, तू ये ले। ये मुझे पढ़ने दे। रोजी के साथ ले ना, ले ना, देख ना। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं ये मूवी भी काफी पुरानी है, ये भी भूल चुकी है, अभी याद आया। बिल्कुल याद नहीं, मुझे तो याद नहीं आई मूवी, मैंने देखी जरूर है लेकिन। क्या यार, अर्शद वारसी की एक्टिंग, और अजय संजय देवगन ने, अजय देवगन ने यार क्या एक्टिंग है इनकी, कमाल की एक्टिंग है। मैंने सीन पहले भी देखा था, मुझे अंधे बनने की एक्टिंग आ गई। इतने ज्यादा थप्पड़ मारे, वो तो इन्विटेशन देने के लिए आए थे। आप बहुत ही ज्यादा, वो मुझे लगता है इन्होंने शायद कुछ किया होता है तो वो इनको पहचानते होते तो उन्होंने अपनी चेहरा ही छुपा लिया था। वो कह रहे थे क्या अजीब अजीब बातें, आपको पता कॉमेडी है, लेकिन ये गोलमाल की जियो सीरीज है ना, जितनी भी इसकी मूवीज आप देख रहे हैं आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अक्षय देव, अजय देवगन ने बहुत ही कमाल की इसमें, और अर्शद वारसी भी बहुत ही कमाल के एक्टर है सच्ची में। मुझे इतना मजा आता है इनको देख के, और यार मतलब हंस हंस के मेरे तो पेट में दर्द होने लग पड़ गया। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। ऐसी मूवीज देखे ना, दिल जो मतलब आपका परेशान या कुछ भी होता है आपका खुश हो जाता है। गूंगे यार, ये एक्टिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी की है। वो जो गूंगे जो शेव कर रहे थे और पूरे मुंह पे भी उन्होंने अपने लगा ली, तो वैसे वो जो है ना मतलब उनकी गूंगे वाली एक्टिंग जो है इतनी ज्यादा फेमस है, उनको उनको बहुत ही पसंद किया जाता है उस वजह से। बिल्कुल, और इनको वैसे इन मूवीज के अलावा मैंने बहुत कम देखा है, होता है ना कि मूवीज में। लेकिन इनको फेम भी इसी मूवी में ज्यादा मिली है, वो जो है ना गूंगे गूंगे की एक्टिंग करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो फिर वो जब वो अजय की, ये अजय देवगन है, वो आपको तो ऐसे उंगली भी मलोड़ देते हैं, कोई उंगली का उंगली तोड़ देते हैं, काफी ज्यादा वो भी बड़ी कमाल के सीन लगते हैं। और अगर आप इसी तरह किसी भी सीन पे रिएक्शन चाहते हैं गोलमाल मूवी का या फिर कोई किसी भी मूवी का, जिस भी मूवी पे आप रिएक्शन चाहते हैं, हम हर रोज दो दो मूवी के सीन पे रिएक्शन जरूर लाया करेंगे आपकी रिक्वेस्ट पे। तो बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो देख के, उम्मीद करते हैं हमने आपके जो लाइफ में थोड़ी सी खुशी तो डाली होगी सीन के जरिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।